हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं कौन से चैनल पे आ गया हूँ पता नहीं। मेरे साथ है राइडर और है ब्रोकर आज निशान भाई। हम अंशुमन अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, अंशुमन 24 साल का है, वो हम देखने वाले हैं। एंड एज पीपल इन आवर 60s वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट वी शुड हैव डन इन आवर 20s। अंशुमन तू 24 साल का है, तू कब से मनी मैनेज कर रहा है? जब से कमाना शुरू किया है, so, since I was 20, 21. ठीक है, nice to know. ठीक है, तो अंशुमन, बताओ, how do you manage your money? And hopefully, some folks who are watching this can learn a thing or two from what you do. तो चलो, बताओ. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मेरी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। तो मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ हर महीने। एक्सेल शीट में मैं अपनी इनकम लिखते रहता हूँ। अब इस केस में भी ऐसा है कि कोई कोई चीजें एक बार होती है, कोई कोई चीजें लॉन्ग टर्म रहती है। तो मैं अपने एक्सेल शीट में सिर्फ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स रहती है। तो ये जो चार इनकम सोर्स है वो लास्ट 6 months से मेरे कॉन्स्टेंट रहे। ऑफकोर्स इसका अमाउंट ऊपर नीचे जाते रहता है, बट हाँ ये पता है कि इन चारों से कुछ ना कुछ तो आना ही है। अब ये मेरा जनवरी 2022 का है, ठीक है। तो ये रहे मेरे एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो मैं जो भी काम करता हूँ उसके लिए मेरे पास एक टीम है, उनको स्टाइपेंड देना होता है। कोई कोई लोग फुल टाइम होता है तो उनको सैलरी भी होती है, तो वो एक मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है। सो दैट्स अराउंड 16.5%। नेक्स्ट आई स्टे अलोन, आई लिव अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो मेरा रेंट भी है, तो दैट्स अराउंड 6.5%। फिर मेरा काम वीडियो शूट वगैरह करना होता है, सो आई एम कॉन्स्टेंटली बाइंग इक्विपमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ। तो इस महीने कुछ नहीं था, बट जनरली मेरा इक्विपमेंट्स का खर्चा रहता है। नेक्स्ट है देर आर पीपल हु हेल्प मी विद कुकिंग माई फूड एंड ऑल्सो क्लीनिंग माई होम एंड एवरीथिंग, उसका भी खर्चा, दैट्स अराउंड 1.5%। फिर बाद में रिसेंटली मैंने इसी साल 2021 में मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया है। जनरली मैं क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा अवर्स था, क्योंकि 2-3 साल पहले जब मैंने नई जॉब शुरू की थी, ठीक है, तब मैं इतना कम कमाता था कि मेरे को पता था कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड ले लूंगा तो आई विल एंड अप स्पेंडिंग सो मच कि नेक्स्ट महीने बिल भी नहीं भर पाऊंगा। क्रेडिट कार्ड तभी लेना चाहिए तब व्हेन यू नो कि हाँ, अगर मैंने इतना खर्च कर भी लिया तो भी मैं पे बैक कर पाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मिसेलेनियस थोड़ा बहुत तो इधर किधर कुछ तो रहता ही है हर महीने, तो वो एक्सपेंसेस है, तो दिस इज 5%। सो टोटल मैंने इस महीने मुझे रियलाइज हुआ कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जब मैंने एक्सेल शीट बनाया मुझे पता कि 40% तो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ही है। अब मैं हर महीने इन्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि अगर पैसों का ज्ञान दो और फिर इन्वेस्ट नहीं करो तो बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी हो जाएगी। सबसे पहले आई हैव एन इमरजेंसी फंड विच आई मेंटेन ऑलमोस्ट एवरी मंथ। इस महीने का एग्जांपल देता हूँ, इस महीने मुझे कोविड हुआ था, ठीक है। अब मैं अगर कोविड में बहुत टाइम तक सिक होता तो मेरी इनकम रुक जाती, बट मेरे एक्सपेंसेस तो फिक्स रहते ही रहते। अब मैंने क्या रखा हुआ है, ये जो इनकम सोर्स 3 है वो मैंने लास्ट बहुत टाइम से मैंने इसको एक ऐसे बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी बनाया कि जैसे ही वो उस अकाउंट में जाता है और उस अकाउंट में ना नेट बैंकिंग है ना UPI है और उस अकाउंट का जो OTP जाता है वो मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं है। सो द ओनली वे आई कैन स्पेंड दैट मनी इज बाय फिजिकली गोइंग टू द ATM एंड विड्रॉइंग फंड्स। और मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कभी नहीं करूंगा ये चीज। एक्चुअली निशांत भाई, ये जो मेथड है ना ये काफी इंटरेस्टिंग है। जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, उसमें वो कहता है कि जब कुछ कुछ हैबिट्स आपको छोड़नी है उसमें आप जितना फ्रिक्शन बढ़ाओ उतना आसान हो जाता है वो तोड़ने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग मे बी यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन फॉर यू टू स्मोक, इन विच केस इट वुड बी कि आप सिगरेट का पैकेट खरीदना ही छोड़ दो। तो इफ यू वांट टू स्मोक यू आर फोर्स्ड टू गो टू द शॉप एंड बाय वन, जस्ट इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो ये बढ़िया तरीका है। तो मुझे अपनी लाइफ से आलस कम करना है तो अपना बेड वेट बेच दूं। इतना एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, आप जमीन बेच दो ताकि आपके पास जमीन ही नहीं है सोने के लिए। तो अगर आप लाइफ में बहुत लकी हो और आपको बहुत टाइम तक कोई इमरजेंसी आई ना, देन यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी इफ यू कीप इट पार्क्ड इन द बैंक अकाउंट, बिकॉज आज के दिन कोई भी बैंक आपको 2-3% पर एनम से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं अब लिक्विड फंड्स और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में डालता हूँ, वो आपको FD से ज्यादा रिटर्न दे देता है। और मैं डायरेक्टली हर महीने उसमें भी पैसा डालता हूँ। जनरली देयर इज अ क्वेश्चन कि आपका इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आई हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, योर जॉब सेफ्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ योर इमरजेंसी फंड। ओके, समझा इसका मतलब? मतलब अगर आप एकदम सरकारी जॉब में हो या फिर आप एकदम ही सिक्योर कॉर्पोरेट करियर है तो आपको पता है कि आपकी जॉब की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, तो आपको 8-12 महीने करने की जरूरत नहीं है। वर्सेस अगर आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी एक बहुत बड़ी टीम है, तो हमें याद है कि 2020 में स्टार्टिंग के 6-8 महीने तो हमने सिर्फ इमरजेंसी फंड ही बनाया। तो जितना ज्यादा सिक्योरिटी है उतना कम आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है।
तो मैं सिक्योर नहीं हूँ बेसिकली, तू ये बोल रहा है। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा वैसा, ओके ओके, और सिक्योर भी कम हो। नेक्स्ट है मेरे पास एक स्मॉल केस का बास्केट है जिसमें मैंने ऑलरेडी थोड़े स्टॉक्स सिलेक्ट करके रखे हुए और उसमें अब हर महीने में एक SIP करता हूँ। ये तेरे लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स है क्या? ये मेरे लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स है। नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी, मैं हर महीने क्रिप्टो में SIP करता हूँ। मैं 3-4 ब्लू चिप कॉइन्स खरीद के रखे हुए, उसमें हर महीने डालते रहता हूँ। तो ब्लू चिप कॉइन मतलब किसमें डालते तू? मैं इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना है, थोड़ा बहुत मैटिक है, ऐसे 2-3 में डालता हूँ। एंड लास्ट में मेरे को हर महीने ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में भी डालता हूँ, क्योंकि आपको हर साल कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए टैक्स बचाने को मिलता है, तो मैं हर महीने रेगुलर वो चीज डालते रहता हूँ। ये ELSS टैक्स सेविंग हमने हमारे टैक्स वाले वीडियो में कवर किया था, सो इन केस यू वांट टू चेक इट आउट, आई एम गोना लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो तेरे टोटल इन्वेस्टमेंट्स 41% ऑफ योर इनकम यू एंड अप इन्वेस्टिंग, ओके, तो बचा है अभी 18% इमरजेंसी फंड है ना, लाइक दिस इज हाउ आई ट्रीट माई इमरजेंसी फंड। आई हैव टेकन मेरा जो बर्न है मंथली इनटू 12 मंथ्स किया मैंने, ठीक है, तो महीने के फॉर एग्जाम्पल मेरे सब कुछ मिला के से मेरा 2 लाख रुपए का बर्न है, तो मैंने 24 लाख का इमरजेंसी फंड बना के रखा है। बट वंस यू हैव योर इमरजेंसी फंड then you can deploy more money into the markets. तो एक बार तेरा जो emergency fund का अगर एक bracket बन पूरा हो गया, तो उसके बाद तेरे पास extra जो 20% बचे, उसका क्या करेगा तू? What would you do with that? I will just increase my allocation in these investments. तो मैं इसमें तो अपना allocation बढ़ाए दूंगा, उसके ऊपर मैं अपना opportunity fund बढ़ा दूंगा। बेसिकली अपॉर्चुनिटी फंड ऐसा होगा कि कोई अगर सडनली मुझे आके बोलता है कल की मैंने एक नई स्कीम निकाली है, ये स्कीम में ऐसे ऐसे रिटर्न मिलेगा, तू भी एक इन्वेस्ट कर सकता है, यू कैन ऑल्सो ओन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। सो आई विल देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो दिस इज व्हाट इवन वी हैड डन निशांत भाई, मेरा भी जब इमरजेंसी फंड सेट हो गया ना, कि मेरे 12 महीने के हो गए और मुझे पता है कि लाइफ में कुछ भी दिक्कत हो जो प्रीवियसली हुआ है, तो मैं 12 महीने के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज एवरी टाइम आई स्टार्ट गेटिंग यू नो पेमेंट्स फ्रॉम व्हाटएवर वर्क दैट आई डिड, आई स्टार्ट स्प्लिटिंग देम अप इनटू X% विल गो इनटू मार्केट, X% विल गो इनटू यू नो स्लाइटली सेफर बेट्स, X% विल गो इनटू क्रिप्टो, ऐसा करके मैंने स्प्लिट किया। मुझे एक बात बताए, जो तो क्रेडिट कार्ड बिल है, ठीक है, ये तेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तू ध्यान रखता है कि तू कितना खर्चा कर रहा है हर महीना? Like, do you think about that? हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड लेने जाओ ना, तो जो बैंक वाले हैं वो आपको एक बहुत ही outrageously high limit दे देते हैं, and that's sometimes way more than what you even earn. तो सबसे पहले मैंने तो ये चीज किया कि मेरा जो overall limit है, वही मैंने इतना कम कर दिया है कि अगर कभी मैंने गलती से 100% भी खर्च कर दिया in case of some emergency, तो भी मुझे कोई problem नहीं होगी। But मैं वो चीज भी नहीं करता, because एक concept आता है, which is known as credit utilization ratio. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के अपने लिमिट से, लिमिट जो भी, अगर लेट्स से आपका 1 लाख लिमिट है, अगर आप 30% से ज्यादा स्पेंड करते हो, देन दैट इज ऑल दैट विल आल्सो इंपैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। ये बोल के कि यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग वे मोर देन व्हाट यू कैन स्पेंड, सो यू आर अ रिस्की बोरोअर। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जो मेरा 30%, जो मेरा टोटल लिमिट है, उसके 30% से ज्यादा मैं स्पेंड ना करूं। तो ये जो एक्सेल शीट है ना, ये देख के ही थोड़ा डॉन्टिंग लगता है, कौन बैठ के एक्सेल शीट खोल के ये बनाएगा? मैंने भी एक बार बनाया था एक्सेल शीट, ठीक है, मैंने 2-3 महीना फॉलो किया, उसके बाद थोड़ा बहुत आदत लग जाता है, यू रफली नो कि हाँ ये पैसा आएगा तो यहाँ पे डालना है, पर उसके बाद प्लान अगर चेंज करना हो, या यू नो इनकम एक महीने में ज्यादा ब्रांड वर्क कर दिया मैंने, नेटफ्लिक्स बहुत खुश हो गया मेरे साथ, देन वहां पे मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि यू नो कुछ तो वेरिएबल चेंज हो गया, तो उसको चेंज करने के लिए मैं आलस हो जाता हूँ। सो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ टू कीप कमिंग बैक टू द शीट? लाइक व्हाट यू कैन डू इज इधर इनकम सोर्स, आपके जितने भी पॉसिबल इनकम सोर्स है एक महीने में, Let's say you have the best month, जब आपके सारे income source से आपको कुछ मिला है, तो आप एक काम करो, आपके Excel sheet में आप सब कुछ लिख दो, फिर आपने हर महीने आपको सिर्फ values लिखनी है, आपको और कुछ नहीं लिखना है। The real reason why I do this every day is because it gets very confusing. Because as you rightly said, मेरे actual में 3 bank account है, ठीक है? अब मैं हर bank account को कैसे track करूँ, कहाँ क्या गया? वो एक चीज़ में करने के लिए एक consolidated statement है ये मेरा Excel sheet. But most people hopefully have just one income source. So if you do this once and if you're able to automate some of it, that should help you save some mental bandwidth and space. And most importantly, what I really like is once you get into the habit and once you automate it, your mental space stops going from ki main, how do I grow my wealth by investing to how do I grow my income source. Like if you can fix that section, right, that'll be the biggest delta. Ki agar paise zyada
आ ही रहे आपके लाइफ में तो देन यू विल बी एबल टू डिप्लॉय मोर मनी इनटू इन्वेस्टमेंट. आई थिंक अ लॉट ऑफ यंग पीपल दे गेट स्वेड अवे बाय यू नो वाचिंग ऑल दीज वीडियोस ऑफ यू नो ये स्टॉक में इतना ग्रोथ होगा, इसमें इतना ग्रोथ होगा. अगर तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करो इन जस्ट फिगरिंग आउट कि मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है, दैट विल मूव द नीडल इन द बिगेस्ट वे. टोटली अग्री, आई टोटली अग्री. बिकॉज लेट्स से यू रिसर्च अ लॉट एंड यू गेट 10%, यू गेट 5% एक्स्ट्रा देन इफ यू आर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स. लेकिन आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो तो जो आपका साल का 60,000 है उसमें जो एक्स्ट्रा 5% है वो 3,000 रुपए. That 3,000 rupees you can actually spend in your next trip to the mall. Correct. But if you spend that time learning how to make a new income source, it'll make a much bigger delta. I think that is the key learning that even I have made over the last few years, which is instead of spending too much mental bandwidth on ki main kitna kaise invest karu, मैंने बस ऑटोमेट कर दिया है. बाय विच आई मीन मैंने अंशुमन को दे दिया है मेरा जीरोधा का पासवर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक अबाउट सेइंग कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन डू. सो आई रियलाइज्ड इट वेरी लेटली कि जब मैं 20-21 साल का था तब मैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स पढ़ता था, मेरे कॉलेज में पर्सनल फाइनेंस भी पढ़ाया गया था. आई नो एवरीथिंग ऑफ आई हैड ऑल द नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज मनी but that didn't make me a good manager of money, which means all of us are irrational. इसी अगर ये चीज आपको अवेयर हो जाए ना कि पहले से कि आप टट्टी हो तो आप खुद खुद ऐसी चीजें करोगे जिससे आप अपनी हरकतें को कंट्रोल कर सको. क्या और वही चीज आज से 4 साल पहले मैंने सुना था बिस्वा से ए टट्टी तेरा नाम क्या है और अब अंशुमन आप टट्टी हो. एक तरफ है लाइक अंकुर वारिकू, अक्षर श्रीवास्तव ऐसे यू नो वेरी रिफाइंड एंड यू नो लर्नड पीपल, और एक तरफ है अंशुमन जो बोल रहे हैं आप टट्टी हो. तो इफ यू ऑल्सो थिंक दैट यू नो यू नीड द मेंटल डिसिप्लिन टू गेट बेटर विथ योर सेविंग्स, एक कॉमेंट ड्रॉप कर दो सेइंग मैं टट्टी हूँ. फिलहाल के लिए यू कैन चेक आउट अंशुमन्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडर स्मॉल केस विद द पिन कमेंट एंड इफ यू आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग जर्नी चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. उसी बात पे थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एपिसोड. निशांत भाई हमने अगर ये सब किया होता जिंदगी में तो आज करना नहीं पड़ता कि सुपर चैट दे दो मेंबरशिप ले लो.